अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ बच्चों के टिफिन के लिए ब्रेड सैंडविच, यानी कि बेसन का ब्रेड सैंडविच। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए, बेसन ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। सबसे पहले ब्रेड, मैं यहाँ 5 से 6 स्लाइस ब्रेड ली हूँ ब्रेड, और यहाँ पर चिल्ली पाउडर, नमक, बेसन, टमाटर, हरिया धनिया बारीक कटा हुआ, कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, प्याज, हरी मिर्ची, हल्दी, काली मिर्ची और एक अंडा, हमें ये सब चाहिए। अभी सबसे पहले ब्रेड का बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले बेसन को ले रही हूँ मैं, बेसन को 3 से 4 चम्मच मैं बेसन को ले रही हूँ इसमें। ये देखिए, ये चम्मच है, 1, 2, 3, 4। इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसमें थोड़ी सी हल्दी, कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी, और यहाँ पर नमक। इसे अच्छे से मिला लेना है, फिर इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेना है, इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिला लेना है। ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, इसे मिला लेना है। ये बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा रहता है, बच्चों के लिए, बड़ों को नाश्ते के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ये अलग सा रहता है, बच्चों को टिफिन में देकर भेजिए, बच्चे बहुत खुश होकर खा लेंगे, और झटपट बनता है, बहुत आसान भी है, बहुत अच्छा भी है। इसमें और थोड़ा सा मैं पानी लेती हूँ, इसमें ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा, हमें इतना चाहिए। ये देखिए, इतना गाढ़ा चाहिए। अभी हम इसमें दूसरे भी वेजिटेबल्स दूसरे भी डाल लेंगे, मसाले भी डाल लेंगे इसमें। देखिए, इतना हमें घट चाहिए, ना पतला ना ज्यादा घट। बस अब इसमें यहाँ पर मैं प्याज, एक छोटी सी प्याज बारीक काट कर रख ली हूँ, अभी इसे भी डाल लेती हूँ। और यहाँ पर हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची बारीक काट कर रख ली हूँ। आपको हरी मिर्ची नहीं चाहिए तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, और लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर कैप्सिकम, मैं थोड़ी सी कैप्सिकम बारीक काट कर रख ली हूँ, इसे भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। और यहाँ पर टमाटर, टमाटर मैं 1 ली हूँ, इसमें से आधा डाल रही हूँ टमाटर। और यहाँ पर काली मिर्ची, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। और यहाँ पर हरिया धनिया, मुट्ठी भर हरिया धनिया, आप इसे भी मिला लेंगे। नमक हमें पहले भी डालकर हूँ मैं, आप देखकर नमक डाल लेना। 1 अंडा ली हूँ मैं, अब इसे भी मैं फोड़कर उसमें मिला लेती हूँ, अंडे को भी। 1 ली हूँ मैं, इसीलिए बस इतना सा हमें चाहिए। अब इसे भी मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। अभी इस अंडे को भी हम बेसन में मिला लेंगे, इसे भी इसमें अच्छे से मिला लेना है। अभी गैस ऑन कर लेती हूँ मैं, पैन को रख लेती हूँ गैस पर। यहाँ पर गैस ऑन कर ली हूँ मैं, पैन को भी रख ली हूँ। अब यहाँ पर मैं बटर ली हूँ, अगर आपके पास बटर नहीं है तो तेल भी यूज कर सकते हैं, घी भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं बटर डाल रही हूँ। इतना हमें लेना है।
पर बैटर को अच्छे से हिला लेना है। बस हमें एक स्लाइस ब्रेड लेना है, इसमें डिप कर लेना है आराम से हाथ की मदद से, इसे इसमें फिर इसे इसमें रख देना है। ये देखिए ऐसे। मैं यहाँ कैप्सिकम डाली हूँ, आप चाहे तो कैरेट भी डाल सकते हैं इसमें। हाँ, कैरेट डालने से कद्दूकस करके डालना है, कैरेट को ऐसे ही नहीं काट कर नहीं डालना है, कद्दूकस करके इसे डालना है। थोड़ा सा और बटर मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ऐसे। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को बनाकर दीजिए, स्कूल के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए ये, नाश्ते के लिए, बड़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। थोड़ा और थोड़ा हमें इसे पकने देते हैं। ये बच्चों के टिफिन के लिए है, सुबह उठते हैं बच्चों के मम्मीज उठते हैं, सुबह कहते हैं कि आइए नाश्ते को क्या बनाना है, रात में भी बहुत परेशान रहते हैं टिफिन में क्या बनाकर भेजना है बच्चों के लिए। ये भी बहुत झटपट बनता है, आप बनाकर दीजिए, बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे ये भी। हाँ, अंडे का भी टोस्ट आता है, ये यहाँ पर मैं बेसन और अंडा दो भी मिलाकर मैं बनाकर बता रही हूँ आपको। ये भी बहुत झटपट बनता है और बहुत टेस्टी, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगा। बनाकर दो स्लाइस और चाय के साथ ले लीजिए, नाश्ता होगा आपका, बहुत जल्दी तैयार होता है। हाँ, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए। अभी इसको मैं पलटा लेती हूँ, इसको आहिस्ता से, देखिए हो गया। इसको भी इधर से मैं ऐसे ही पका लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा पक गया, बहुत जल्दी तैयार हो गया। अभी इसे निकाल लेती हूँ, मैं दूसरा भी ऐसे ही बना लेती हूँ। ये देखिए कितना झटपट तैयार हो गया, बहुत ये आसान भी है और बहुत टेस्टी भी रहता है ये। अभी मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। बटर यहाँ पर फिर से हमें इसमें डिप कर लेना है इसे। इसके ऊपर थोड़ा सा हमें उठाकर डाल लेना है। अगर आप बच्चों को हरी मिर्ची नहीं देना चाहते हैं, बच्चों को नहीं पसंद है हरी मिर्ची, तो आप कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, नहीं वरना वो भी ये करके लाल मिर्च पाउडर भी इसे डाल सकते हैं। इसे भी मैं थोड़ा पका लेती हूँ, थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ये देखिए मैं दूसरी साइड भी इसे पलटा ली हूँ। अभी इसको थोड़ा सा पकने देंगे फिर इसको निकाल लेंगे, ऐसे ही मैं दूसरे भी बना लेती हूँ। ये देखिए ये भी तैयार हो गया झट से, इसे भी निकाल लेती हूँ। अभी मैं दूसरे भी ऐसे ही बना लेती हूँ, बहुत झट से बन जाता है ये नाश्ता। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप तेल से भी बना सकते हैं, हाँ घी हो तो आप घी से भी बना सकते हैं इसे। ये देखिए ये भी तैयार हो गया है, इसे भी निकाल लेती हूँ, गैस को कर लेती हूँ बंद। अभी मैं प्लेट में आपको निकाल कर बताती हूँ। ये देखिए झटपट बन जाता है। यहाँ पर देखिए तैयार हो गए हैं, ये देखिए। आप ऐसे भी रखकर भेज सकते हैं या आप इसे काट कर भी इसे दे सकते हैं। ये देखिए अंदर से भी पके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। अभी मैं प्लेट में निकाल कर बताती हूँ आपको। आप कौन सा डिजाइन चाहे तो भी आप बच्चों को कर कर दे सकते हैं, आप ऐसे भी बनाकर दे सकते हैं। ये देखिए ये देखिए ऐसे भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए तैयार हो गए हैं। यहाँ पर आप केचप के साथ भी दे सकते हैं, बच्चों को केचप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी दे सकते हैं, टिफिन बॉक्स में रखकर दीजिए, बच्चों बच्चे तो बहुत पसंद से खा लेंगे ये। ये देखिए आज मैं बनाई हूँ
बेसन ब्रेड सैंडविच बच्चों के लिए ही बनाई हूँ मैं। बड़े भी इसे खा सकते हैं, बहुत पसंद से खा सकते हैं। ये टेस्टी, बहुत टेस्टी रहते हैं। घर में बना हुआ हर एक चीज हेल्दी रहता है। बच्चों को बनाकर दीजिए आप टिफिन बॉक्स में, बच्चे पसंद से ले जाएंगे। ये आजकल के बच्चे रोटी पूरी ये सब बहुत कम लेके जाते हैं। आप ऐसे बनाकर दीजिए, बहुत खुश होकर लेकर जाएंगे। मैं बनाई हूँ यहाँ पर, देखिए आप लोग भी बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए, कल फिर मैं मिलूंगी नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।